please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दूसरा बड़ी खबर दे रहे हैं। 38 दिन तक पुलिस को छकाने वाली हनीप्रीत गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस की जांच में ज्यादा सहयोग नहीं कर रही। इस सिलसिले में कल हरियाणा पुलिस हनीप्रीत को लेकर पंजाब के बठिंडा भी गई थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार वहां पुलिस को कुछ खास सबूत नहीं मिले। पुलिस का मानना है कि फरार रहने के दौरान हनीप्रीत ने 15 अंतर्राष्ट्रीय फोन इस्तेमाल किए, लेकिन ना तो अब तक पुलिस को कोई फोन मिला और ना ही सिम कार्ड। हरियाणा पुलिस के अनुसार पूछताछ में बार बार बयान बदलकर पुलिस को गुमराह कर रही है हनीप्रीत। का नार्को टेस्ट भी कराया जा सकता है। और इस बीच मरीना कुंवर नाम की एक मॉडल ने दावा किया कि राम रहीम ने उसे फिल्म का ऑफर दिया था और उसे भी अपनी गुफा में ले गया था, जिसकी वजह से हनीप्रीत उनसे काफी नफरत करने लगी थी। जनरली कई बारी जो हमारे अक्यूज है वो शुरू में कॉपरेशन नहीं करते, लेकिन पुलिस के पास और तरीके इंटरोगेशन के होते हैं। नार्को टेस्ट इज जनरली अ लास्ट रिसोर्ट और उसके लिए हमारे को जुडिशियरी से परमिशन उसकी लेनी पड़ती है। बाबा ने मुझे बेडरूम के अंदर जब लेके गए तो मेरे साथ बहुत गलत हरकत कर रहे थे, मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे और इस कदर उन्होंने पकड़ा हुआ था कि मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, नहीं तो मैं भाग पा रही थी, नहीं तो मैं कुछ कर पा रही थी, बिल्कुल बेबस हो चुकी थी मैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगला आम चुनाव पीएम मोदी और देश के आम जनता के बीच होगा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब के विमोचन के मौके पर यशवंत सिन्हा के साथ मंच पर मौजूद केजरीवाल ने कहा कि अगले चुनाव में सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आएंगी या नहीं, ये समीकरण पर निर्भर करेगा। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए केजरीवाल ने कहा कि देश में लोग आजकल काफी डरे हुए हैं। 2019 का चुनाव जनता लड़ेगी, पार्टियां नहीं लड़ेंगी। ये बैटल इनके नेता जी और जनता के बीच में होगा। अनुराग, एक बार फिर से विपक्ष को साथ लाने की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है आने वाले चुनावों में? देखिए, बिल्कुल, इस कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया था कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जिस तरीके से मंच पर दो पार्टियों के नेता साथ हैं उस तरीके से पार्टियां भी साथ आ जाएं। उसी के जवाब में अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि जिस तरीके की स्थिति है और हर कोई डरा हुआ है देश में, चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो आम जनता हो, तो इस बार लोग वर्सेज सरकार, यानी जो पार्टी सरकार में है नरेंद्र मोदी और बीजेपी, बीजेपी के खिलाफ पूरे देश की जनता लड़ेगी और इसमें पार्टियों का रोल बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा। वो जगह और स्थिति के अनुसार समीकरण बनते बिगड़ते रहेंगे, लेकिन असली जो लड़ाई होगी वो लोगों के और नरेंद्र मोदी के बीच में होगी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री किसी की बात सुन नहीं रहे और वन वे कम्युनिकेशन है। तो एक 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 सवाल को डाइवर्ट करते हुए और एक पॉलिटिकल समीकरण समझाने की कोशिश थी। सीधे तौर पर जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है उससे इनकार भी नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, और साथ ही ये भी कहा कि पार्टियों का रोल बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा, लोगों की जनता की सरकार के खिलाफ इस बार लड़ाई होने वाली है। शुक्रिया अनुराग। और अमिताभ सिन्हा बड़ी खबर दे रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने एक बार प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की एक किताब के विमोचन के मौके पर यशवंत सिन्हा ने तंज कसते हुए कहा कि मेरा उठाया मुद्दा चल निकला, अगर नहीं चलता तो कल कोई सवा घंटे भाषण न देता। यशवंत सिन्हा ने यह भी दावा किया कि पार्टी में और भी लोग उनकी बातों से सहमत हैं। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी के शल्य वाले बयान पर पलटवार करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि वो शल्य नहीं भीष्म है और वो अर्थव्यवस्था का चीरहरण कर नहीं होने देंगे। अब वो डिबेट चल पड़ा, अगर डिबेट नहीं चला होता तो कल शाम को सवा घंटा किसी ने भाषण नहीं दिया होता। यशवंत सिन्हा के बीजेपी पर दोबारा हमले के बाद बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा, यशवंत सिन्हा पर कांग्रेस के इशारे पर सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया। यशवंत सिन्हा जी जिस प्रकार अहंकार से भरा आरोप लगा रहे हैं, सैकड़ों आरोप सरकार के खिलाफ, बेबुनियाद आरोप, बहुत नीचे स्तर के आरोप लगा रहे हैं, और वे कांग्रेस पार्टी के साथ आज पूरी तरह खड़े दिख रहे हैं।
मोहम्मद सफी शमसी बड़ी खबर दे रहे हैं। दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और उनके साथियों पर हमले के विरोध में आज कोलकाता में बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी। कल दिलीप घोष के साथ धक्का मुक्की और मारपीट भी की गई थी, जिसमें दिलीप घोष के अलावा दो बीजेपी समर्थक घायल हो गए थे। मारपीट करने का आरोप गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों पर लगा, लेकिन लगातार कह रही है कि हमला करने वाले लोग टीएमसी समर्थक थे। तरीके से हमला हुआ है वो दर्शाता है कि बंगाल के अंदर किस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति है, ममता बनर्जी किस प्रकार का बंगाल बना रही है, ये स्पष्ट दिख रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम एक और चेतावनी देते हैं कि हम लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की गुंडागर्दी से न डरने वाली है, न हिलने वाली है। चंद्रमोहन बड़ी खबर दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। बिहार के नवादा में गिरिराज ने कहा कि ख्वाजा का नहीं बल्कि भारत माता का हिंदुस्तान है। गिरिराज के मुताबिक ख्वाजा का हिंदुस्तान चाहने वाले 1947 में पाकिस्तान चले गए थे। इस दौरान गिरिराज ने ये भी आरोप लगाया कि नवादा में दुर्गा पूजा के दौरान दो पक्षों में संघर्ष के बाद हिंदुओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। लिखा था ख्वाजा का हिंदुस्तान अकबरपुर में, जी हाँ। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ, भैया ये ख्वाजा का हिंदुस्तान नहीं, भारत माता का हिंदुस्तान है। और जिनको ख्वाजा का हिंदुस्तान बनाना था वो 47 में चले गए पाकिस्तान बनाने। राजस्थान के झालावाड़ में विपक्ष के नेता रामेश्वर डूडी पर सुरक्षाकर्मी से जूते मोजे उतरवाने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि किसान न्याय पद यात्रा पर सचिन पायलट के साथ जा रहे रामेश्वर डूडी ने ऐतिहासिक चांदखेड़ी दिगंबर जैन मंदिर में दर्शन से पहले अपने सुरक्षाकर्मी से जूते मोजे उतरवाए, जबकि सचिन पायलट ने खुद ही अपने जूते मोजे उतारे। नेता विपक्ष रामेश्वर डूडी की ये हरकत वहां मौजूद मीडिया कर्मियों के कैमरे में कैद हो गई। हवालात में बंद हनीप्रीत पूछताछ में नहीं कर रही है सहयोग, इसलिए हरियाणा पुलिस ने दिए नार्को टेस्ट कराने के संकेत। आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक में व्यापारियों को राहत का बड़ा ऐलान हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि अगले आम चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ लड़ेगी देश की जनता। 2019 का चुनाव जनता लड़ेगी, पार्टियां नहीं लड़ेंगी। ये बैटल इनके नेता जी और जनता के बीच में होगा। यशवंत सिन्हा का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा मेरा उठाया मुद्दा चल निकला, अगर नहीं चलता तो कोई सवा घंटे भाषण न देता। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली और एनसीआर में पटाखे की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंक पर रुख नहीं बदला तो डोनाल्ड ट्रंप उसके खिलाफ हर तरह का कदम उठा सकते हैं। पाकिस्तान ने जताई आपत्ति। दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और उसके साथियों पर हमले के विरोध में आज कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली में आज से फीफा अंडर 17 विश्व कप का आगाज। भारत और अमेरिका का उद्घाटन मैच देखने के लिए पीएम मोदी भी आ सकते हैं स्टेडियम।